सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने वैकेंसी निकाली है डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, साथ ही आईटीआई वाले कैंडिडेट्स, एमएससी कैंडिडेट्स और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर केमिकल की, इसमें दो वैकेंसी हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी आई है एक। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है 6। वहीं फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी आई है 25। मैकेनिकल की फोरमैन की वैकेंसी है 2। फोरमैन सिविल की वैकेंसी है 22। जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी आई है 10। बात कर रहे हैं हम जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी आई है 5 और जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की वैकेंसी आई है 2। टेक्नीशियन मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 17। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी आई है 14। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है 6। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री की वैकेंसी आई है 14। असिस्टेंट स्टूडेंट परचेज की वैकेंसी आई है 1। वहीं अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 10। मार्केटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 21 और असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी आई है 2। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 160। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पहले बात करेंगे हम टेबल 2A की। इसमें वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर केमिकल की, जिसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, कम से कम 55% मार्क्स साथ एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो वैकेंसी है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। बात करें अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट है इसके लिए 45 साल और पे मिलेगी 16,300 से 38,500 ग्रेड में और ये 1/1/2017 से रिवाइज होनी है। बात करें हम जेई मैकेनिकल की, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में, कम से कम 55% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनलाइन। अब बात कर लेते हैं टेबल 2B की। इसके लिए जो वैकेंसी हम आपको बताएंगे उनके लिए एज है 28 साल सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, बाकी रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा उन वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पे है 14,500 से 36 साल वाले ग्रेड में। पहली वैकेंसी है फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम से कम 60% मार्क्स के साथ। वहीं जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनकी रिजर्व पोस्ट के लिए उनकी परसेंटेज होनी चाहिए 55% और कम से कम 2 साल का इनलाइन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम से कम 60% मार्क्स साथ जनरल ओबीसी के लिए और 55% मार्क्स साथ एससी एसटी के लिए और कम से कम 2 साल का इनलाइन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बात करें फोरमैन मैकेनिकल की, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में, कम से कम 60% मार्क्स के साथ एस एस टी के लिए 55 के साथ। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इनलाइन होना चाहिए किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। बात करें हम फोरमैन सिविल की, तो इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स साथ, एस एस टी के लिए 55 होना चाहिए और जो परसेंटेज में रिलैक्सेशन है और एज में रिलैक्सेशन है वो उन्हीं पोस्ट के लिए मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। जनरल की पोस्ट पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जूनियर केमिस्ट की, तो फुल टाइम मास्टर डिग्री यानी एमएससी आपको होनी चाहिए केमिस्ट्री में 2 साल की और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% होनी चाहिए एससी एसटी के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो फील्ड है वो है हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, जैसे ऑयल रिफाइनरीज में या फिर गैस प्रोसेसिंग प्रोसेस में या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट में या फर्टिलाइजर प्लांट में या फिर केमिकल या रिलेवेंट फील्ड में। बात कर लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की हिंदी लिटरेचर के साथ, कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा हो ग्रेजुएशन में। इसके अलावा कैंडिडेट्स को बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है कंप्यूटर ऑपरेशंस की, जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में किसी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो कि रेपुटेड हो। बात कर लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की, इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की 55% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी के लिए और 50% मार्क्स के साथ एसएसटी के लिए और आपके पास डिप्लोमा हो पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, कम से कम 55% मार्क्स के साथ। इन सब के अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, एचआर में, किसी स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में। अब आती है टेबल 3C की जो वैकेंसी है, इसके लिए मैक्सिमम एज है 26 साल सामान्य के लिए और रिलैक्सेशन जो रिजर्व पोस्ट है उनके लिए एज पर रूल दिया जाएगा। पे 12,500 से 33,000 वाले ग्रेड में है। पहली वैकेंसी है टेक्नीशियन मैकेनिकल, इसके लिए आप 10th के बाद आईटीआई आपने कर रखी हो फिटर में, डीएल मैकेनिक में, मशीनिस्ट में या फिर टर्नर में
और कम से कम 2 साल का इनलाइन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बात करें हम टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में ITI हो 10वीं के बाद और 2 साल का इनलाइन एक्सपीरियंस हो। बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए आप 10वीं के बाद ITI हो इलेक्ट्रिकल में या फिर वायरमैन में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पावर स्टील क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस में या फिर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस प्लांट्स में, रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल प्लांट में, फर्टिलाइजर प्लांट में, किसी रेपुटेड कंपनी में। बात करें टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री की, तो इसके लिए आपके पास ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन फील्ड में, सिस्टम्स में, SCADS, DCS में, किसी स्टेट सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। बात करें असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की, तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ OBC और जनरल के लिए, साथ ही आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास हो स्टोर एंड कॉन्ट्रैक्ट में या फिर प्रोक्योरमेंट में या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंट असिस्टेंट की हम बात करें तो BCOM आपके पास होनी चाहिए फुल टाइम 3 साल की 55% मार्क्स का जनरल OBC के लिए, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बात करें अगर मार्केटिंग असिस्टेंट की, तो आपके पास 3 साल की BBA, BBS या BBM की डिग्री हो 55% मार्क्स साथ फुल टाइम जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बात करें असिस्टेंट HR की, तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए 3 साल की 55% मार्क्स साथ और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अब कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं कि केवल फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही कंसीडर किए जाएंगे। जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा है ITI है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं वो आवेदन के पात्र नहीं है, जैसे टेबल 2A यानी JEE केमिकल और मैकेनिकल के लिए और साथ ही पोस्ट नंबर 1 से 4 हैं 2B में और 6 से 7 हैं उनके लिए आपके पास बी या बीटेक है तो आप आवेदन के पात्र नहीं है। इसके अलावा जो PG डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, MBA वाले हैं, मास्टर डिग्री वाले, वो आवेदन के पात्र नहीं है। जो टेबल बी में पोस्ट नंबर 5 है यानी असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, उसके लिए MSc मांगी गई है, उसके लिए PhD वाले कैंडिडेट्स पात्र नहीं है। वहीं टेबल 3C में जो वैकेंसी आई है ITI वालों के लिए और जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उनके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट या फिर BE/BTECH वाले कैंडिडेट आवेदन के पात्र नहीं है। साथ ही जिनके पास PG डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, MBA डिग्री है, वो आवेदन के पात्र नहीं है। अगर आप कोई जानकारी छुपाते हैं बाद में पता चलता है तो आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको एक चीज और बता दें, जो डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट के लिए मांगा गया है वहाँ अगर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ ये मेंशन करना अनिवार्य होगा कि जिस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है उसके अनुसार योग्यता है या नहीं है। बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो ये आपकी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद माना जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल वोकेशनल आर्टिकलशिप अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं की जाएगी और एज एक्सपीरियंस की गणना 30/11/2018 को होगी। साथ ही जो कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के थ्रू कहीं कंपनी में लगे हुए यानी थर्ड पार्टी एम्प्लॉई है उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट लगे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको ही कंसीडर किया जाएगा। और बात करें हम SST के लिए रिलैक्सेशन की, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां जनरल कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज मांगी गई है और उस वैकेंसी में SST की सीटें रिजर्व हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट हम आपको बता चुके हैं। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SST को 5 साल का मिलेगा उनकी पोस्ट के लिए, 3 साल का OBC को और PH कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी से अलग 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें हम एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस मात्र 50 रुपए है, जनरल OBC कैंडिडेट्स को पे करनी है, SST कैंडिडेट्स को कोई भी पे नहीं करनी है। फीस का जो पेमेंट है वो SBI कलेक्ट पेमेंट गेटवे के थ्रू होगा, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्री एनरोलमेंट पेमेंट या PAP के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से भी पे कर सकते हैं और आपका जो आवेदन है वो www.careers.guild.co.in पे आप आवेदन करेंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन आपको कैसे करना है, तो आप जाएंगे www.guildonline.com पे, वहाँ कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ 14/11/2018 से लेकर 30/11/2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जब आपका आवेदन हो जाए तो आप उसका प्रिंटआउट निकलवा के रख लें, साथ ही जो आपने फीस जमा की है उसकी भी आप एक प्रिंटआउट निकलवा के रखेंगे उसकी कॉपी का, और वो आपको जब मांगा जाएगा तब जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन जो होगा वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग होगा, तो हम आपको बता देते हैं। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वहीं मैकेनिकल के लिए भी रिटन के बाद ट्रेड होगा, वहीं फोरमैन की वैकेंसी आई है फोरमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वहीं जूनियर केमिस्ट के लिए रिटन टेस्ट के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और ऑफिशियल लैंग्वेज की जो वैकेंसी आई है
जूनियर सुपरिटेंडेंट की, उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर के लिए भी रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। वहीं असिस्टेंट स्टूडेंट परचेज के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा। वहीं अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा। और मार्केटिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट एचआर के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं इसके लिए, वो बनाए गए हैं दिल्ली एनसीआर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। आपका एग्जाम यही होगा और मिनिमम एज 18 साल है, 18 साल से कम वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट डेट हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, 14/11/2018 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट है 30/11/2018। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।